इनाम देखिए महफिल में बैठने का, बैठे हैं तो खाली हाथ नहीं बैठे, कुछ ना कुछ लेके जाएंगे, और कुछ ना कुछ की बात नहीं है, हुजूर का कर्म हो जाएगा सब कुछ लेके जाएंगे। शायर कहते हैं कि दिलों ने कहा कि दुनिया नई नई हुई है, दुरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है, दुरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है, निगाह की दुनिया नई नई हुई है, दिलों निगाह की दुनिया नई नई हुई है, दुरूद पढ़ते ये कैसे रोशनी हुई है, दुरूद पढ़ते ये कैसे रोशनी हुई है, दुरूद पढ़ते ये कैसे रोशनी हुई है। कि मैं बस यूं ही तो नहीं आ गया महफिल में, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप ये सोचते होंगे कि महफिल रखने वालों ने सबको दावत दी थी, मैं भी आ गया हूँ, सबको दावत दी थी, दावत सो भी रहे होंगे, आप ही यहाँ पे क्यों आए हो, यहाँ पे क्यों आए हो? तो शायर कितनी प्यार से मोहब्बत से कहता है, मैं बस यूं ही तो नहीं आ गया हूँ महफिल में, कहीं से इज़्ज़त मिला गया तो बाज़री हुई है, कहीं से इज़्ज़त मिला गया तो बाज़री हुई है, कहीं से इज़्ज़त मिला गया तो बाज़री हुई है, ये सर उठा जिब्रीले अमीन हाजिर होते हैं, हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप इतने अफसरदा क्यों हैं? रब फरमाता है मेरे महबूब अफसरदा होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको आपका रब इतना नवाजेगा कि आप राजी हो जाएंगे, तो आका क्या इरशाद फरमाते हैं, रब ने ऐसा फरमाया तो मैं उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक मेरा एक उम्मत भी बाहर होगा जन्नत से। तो हुजूर ने हमारे लिए बात की हुई कि नहीं की हुई? तो फिर आप क्यों शर्मा रहे हो, मिलके कहो ना, मेरे लिए बोलो ना, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है, रजा पुल से अब वजद करके गुजरी, रजा पुल से
वजद करते गुजरिए क्यों मेरे लिए मेरे आका ने बात किए हुए गए मेरे लिए मेरे लिए मेरे आका ने बात किए हुए गए क्यों ना पल्ला तेरे आमाल का भारी हो नसीब क्यों न पल्ला तेरे आमाल का भारी हो नसीब अब तो मीजान पे सरकार भी आए घूमे गए मेरे लिए बोलो मेरे बोलो मिलके मेरे लिए मेरे आका ने बात किए घूमे गए मेरे लिए बात की भूमि गरोज़ महशर बवक्त पुश्ते मुझे जो देखा फिरिश्ते बोले 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 तेरे लिए तेरे आका ने बात की भूमि भूले तेरे लिए तेरे आका ने बात की भूमि गए दो जख्म में तो क्या मेरा साया न जाएगा दोजख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा जब तक हर एक उम्मती बख्शा न जाएगा मेरे लिए हाँ मेरे लिए मेरे आने बात की भूमि है मेरे लिए मेरे आने बात की भूमि गए सुभान अल्लाह ऐ फिरिश्तों ये कौन बोलेगा भाई बोल सकता है जिसको भरोसा है कुछ सोचते हैं मौलवियों का काम है ये जाने भरोसा रखो हकीकत में बात की हुई तुम गुलाम बन के तो दिखाओ गुलाम बने थे सुल्तान हमीदुद्दीन नागौरी जमीन के ऊपर थे तब भी इज्जत के साथ थे आज जमीन के अंदर हैं फिर भी इज्जत के साथ गुलाम बने थे ख्वाजा खाजगान उन्हें यकीन था कि हमारे लिए हमारे आका ने बात की हुई हमें तो अभी भी शक है डाउट है आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं माशाल्लाह लेकिन बात मजा नहीं आ रहा है इससे बड़ी बात क्या बड़ी बात क्या होगी कि मेरे लिए मेरे आका ने बात की और चेहरे उतरे पता नहीं किए हुए क्या है ये क्या है मुस्कुरा के कह दो ना या रसूल अल्लाह हुजूर की महफिल में बैठे तो खुश होकर बैठे आपका चेहरा बताए कि आप मुस्कुरा रहे हैं मेरे कहने से नहीं महफिल में बैठने से क्योंकि इस महफिल से मुरादें मिलती हैं इस महफिल में दामन भर दिए जाते हैं इस महफिल में अगर बुरी किस्मत वाला आता है तो अच्छी कर दी जाती है इस महफिल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब इससे उठ के जाओगे उससे पहले अल्लाह हमें बख्श देगा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह चूंकि कह दे या रसूल अल्लाह अब देखो कॉन्फिडेंस के साथ कहो मिलके मेरे साथ ऐ फरिश्तों ऐ फरिश्तों बोलो ऐ फरिश्तों सब मिलके कहो जब तक आप सब नहीं बोलेंगे मैं इससे आगे नहीं जाने वाला सब मिलके कहें मेरे साथ ऐ फरिश्तों ऐ फिरिश्तों मेरे आमाल न तोलो ठहरो
लिए बोलो ना मेरे लिए मेरे मेरे लिए मेरे आका ने बात की भूली है मेरे लिए मेरे आका ने बात की भूली है मेरे लिए